नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार अवसर में, जहां हम लेकर के आते हैं आपके लिए प्रतिदिन रोजगार से जुड़े सभी अवसरों की पूरी जानकारी। दोस्तों, रिक्रूटमेंट की ये नोटिफिकेशन आई है असम राइफल्स की तरफ से, जहां पर असिस्टेंट्स के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। स्पोर्ट्स पर्सन बेसिकली इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। राइफल मैन और राइफल वुमन जनरल ड्यूटी के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। कुल मिलाकर के 116 वैकेंसीज हैं, जिसके लिए ऑनलाइन माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। 17 मार्च 2019 इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है। आइए थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं इन वैकेंसीज के बारे में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस नोटिफिकेशन से जुड़ी कुछ जरूरी बातें, जो आवेदन करने से पहले आपको जानना जरूरी है। मगर उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल रोजगार अवसर सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दबाएं बेल आइकन, ताकि आप तक हमारी नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन असम राइफल्स की तरफ से आई है। अभी से बस कुछ ही घंटों पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पोस्ट डिटेल्स की बात की जाए तो अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं मेल और फीमेल्स के लिए। फुटबॉल, आर्चरी, रोइंग, एथलेटिक्स, ताइक्वांडो, कराटे, जूडो, बॉक्सिंग, राइफल शूटिंग, ये इसी टाइप से सारी वैकेंसीज स्पोर्ट्स वाइज दी हुई है। मेल और फीमेल दोनों के लिए ही अलग अलग डिटेल्स दी गई हैं। कुल मिलाकर के 64 वैकेंसीज सभी स्पोर्ट्स की मिला करके मेल्स के लिए निकाली गई हैं, वहीं फीमेल्स के लिए 52 वैकेंसीज निकाली गई हैं। जॉब लोकेशन की बात की जाए तो क्योंकि असम की तरफ से नोटिफिकेशन आ रही है, इसीलिए असम ही जॉब लोकेशन रहने वाली है। कुल मिलाकर के मेल्स और फीमेल्स दोनों कैटेगरी की वैकेंसीज को मिला करके 116 वैकेंसीज हैं, जिसके लिए नोटिफिकेशन आया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10th पास कैंडिडेट्स या मेट्रिकुलेशन पास कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने देश को नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है और अच्छी खासी पोजीशन प्राप्त की है। सिलेक्शन प्रोसीजर को कुल मिलाकर के 4 चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद फील्ड ट्रायल और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर इसके लिए स्टेप्स की बात की जाए आवेदन करने के लिए, तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जो कि www.assamrifles.gov.in है। वहाँ जा करके आपको फॉर्म मिल जाएगा, जिसमें आप अपनी डिटेल्स भर के इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 16 फरवरी 2019 से इसके लिए आवेदन शुरू हो रहे हैं और 17 मार्च 2019 तक ऑनलाइन माध्यम से इसके लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के एक महीने का वक्त है दोस्तों, जिसमें आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसी एक महीने के अंदर आपको जल्दी से जल्दी इसके लिए आवेदन कर देना है, लास्ट डेट तक का वेट नहीं करना है। 18 से 28 साल तक के कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, हालांकि कैटेगरी वाइज एज में पूरी रिलैक्सेशन दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट assamrifles.gov.in पर जाकर के आपको इससे रिलेटेड सारी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस या ऑफिशियल जानकारियां मिलती रहेंगी। हालांकि इसके लिए आवेदन करने का लिंक और इस पूरी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, जहां पर जाकर के आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आखिरी में दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो एक बार पूरी नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लें, उसी के बाद आवेदन करें। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरी तरफ से आप सभी को इस वैकेंसी के लिए बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, अगर आप भी पाना चाहते हैं सबसे जल्दी अपडेट्स किसी भी लेटेस्ट सरकारी नौकरी के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम लेकर के आते हैं लेटेस्ट सरकारी नौकरी से जुड़ी खबरें सबसे पहले।